हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रीमियर एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा नागालैंड से कुछ जुड़े रोचक फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी और बर्मा के बीच की खूबसूरत पहाड़ों से बसा एक छोटा सा राज्य है, जिसकी परंपराएं और प्रथा देश के दूसरे राज्यों से बिल्कुल भिन्न और अलग हैं। नागालैंड उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम, दक्षिण में मणिपुर और पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। नागालैंड की प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नागालैंड को वर्ष 1961 से पहले नागा हिल्स टेन स्वांग के नाम से भी जाना जाता था, पर भारत सरकार द्वारा इसे 1 दिसंबर 1963 को इसे पूर्व राज्य का दर्जा दे दिया गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। नागालैंड की जनसंख्या दूसरे अन्य राज्यों के मुकाबले ना के बराबर है, और जिसमें आधिकारिक तौर पर 19 लाख के आसपास लोग यहाँ निवास करते हैं। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी आधिकारिक तौर पर जनसंख्या वर्ष 2001 से 2011 के बीच घटी थी। नागालैंड एक सांस्कृतिक विरासत वाला ऐसा राज्य है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है और कम से कम 20% हिस्सा घने जंगलों और हरियाली से भरा है, जिस कारण ये बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नागालैंड की लगभग 80% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। नागालैंड में कोहिमा, दीमापुर, मैको कचुंगा, वोखा, मोन आदि पर्यटकों के लिए मुख्य टूरिस्ट स्थल है। नागालैंड में 100 से अधिक जनजाति उपजातियों के लोग निवास करते हैं, जिनकी सांस्कृतिक मान्यताएं, रीति रिवाज आदि सब एक दूसरे से अलग हैं। नागालैंड में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, पर अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा कोन्याक, चोंग, लोथा, फोम, सेमा, अंगामी एवं रेगमा इत्यादि भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। नागालैंड का पहनावा भी बहुत अलग है। यहाँ के निवासी रंग बिरंगी चादर को कपड़े की तरह पहनना पसंद करते हैं और पैरों पर कड़ा पहनने के लिए उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वो पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाते हैं। नागालैंड के कुछ क्षेत्र में बाहरी लोगों का जाना आज भी वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है उन क्षेत्रों में निवास करने वाली कुछ जनजातियां नरभक्षी होते हैं। नागालैंड की कुछ जनजाति के लोग अपनी पुरानी परंपराओं के कारण सपनों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने सपनों को हकीकत में देखने की कोशिश करते हैं। नागालैंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डा दीमापुर है, और राज्य की रेल लाइन की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है, जिसमें 11 किलोमीटर ब्रॉड गेज और 2 किलोमीटर मीटर गेज है। नागालैंड के लोग कुत्ते समेत ऐसे कई जानवर के मांस का सेवन करते हैं, जिनको अन्य दूसरे राज्यों में लोग मांसाहार के रूप में सेवन करना पसंद तक नहीं करते। नागालैंड के लोग शिक्षा क्षेत्र में भारत के कई दूसरे राज्यों से आगे हैं। यहाँ की लगभग 85% से ज़्यादा जनसंख्या शिक्षित और पढ़ी लिखी है। नागालैंड की संस्कृति में नाच और गाने को यहाँ की धरोहर माना जाता है। यहाँ हर त्यौहार पर नाच गाना, दावत और उल्लास होता है। नागालैंड के लोग आज भी सैकड़ों वर्ष से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोकगीत और लोक गाथाओं का गुणगान करते हैं, जिसमें वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता की झलक देखने को मिलती है। नागालैंड में हाथ करगा, हस्तशिल्प, चीनी सीमेंट, टीवी सेट, ईंट, रेशम सहित कई उद्योग हैं, और यहाँ चूना पत्थर, स्लेट, लौह अयस्क, तांबा, ग्रेनाइट आदि खनिज भी निकाले जाते हैं। नागालैंड में 80% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, और कृषि ही यहाँ की अर्थव्यवस्था की नींव है। यहाँ के अधिकतर त्यौहार भी कृषि से जुड़े हुए हैं। एक कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी यहाँ के लोग सब्जियों की ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। नागालैंड में ही दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भुट जलोकिए पाई जाती है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। नागालैंड को उत्सवों की भूमि भी कहा जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार में नागालैंड का सबसे लोकप्रिय वार्षिक कार्यक्रम है। यहाँ त्यौहार राज्य सरकार द्वारा पर्यटन और राज्य की जनजाति संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय।